नमस्कार, मैं उदयांजलि मोइत्रा। भीषण बाढ़ की चपेट में आए केरल में अभी भी इस प्राकृतिक आपदा का असर देखने को मिल रहा है। हजारों बेघर लोग राहत शिविरों में रहे हैं, जिनसे मिलने के लिए पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड पहुंचे। इसी महीने में दूसरी बार वायनाड पहुंचे राहुल गांधी। जब मीडिया को बयान दे रहे थे तो उसी वक्त एक युवक ने उन्हें चूम लिया। पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल के साथ वायनाड पहुंचे राहुल गांधी इससे पहले कांजीरंगट गांव के एक चाय की दुकान पर भी रुके, जहां लोगों के साथ बात करने के अलावा चाय की चुस्कियां भी लेते हुए देखे गए। बता दें, इस क्षेत्र में वर्षा एवं भूस्खलन के कारण बड़े स्तर पर तबाही हुई है। चार दिनों के दौरे पर यहां आए राहुल गांधी ने चुनगाम और वलाड के शिविरों में लोगों को राहत सामग्री वितरित की और उनकी परेशानियों को सुना। कुछ लोगों ने कहा कि उनके मकान नष्ट हो गए और जमीन पानी में डूब गई, जबकि कुछ अन्य लोगों ने शिकायत की कि राज्य सरकार द्वारा भेजी गई 10,000 रुपए की प्रारंभिक राहत राशि उन तक नहीं पहुंची। यहां भी राहुल गांधी सियासत करने से नहीं चूके। उन्होंने मोदी सरकार पर पक्षपाती होने का आरोप लगाते हुए कहा कि जहां उनकी सरकार नहीं होती है वहां मोदी सरकार मदद नहीं करती है। As I mentioned in my speech, the people of Wayanad have reacted with a great, tremendous spirit. Of course, the main issue here is compensation. People have lost their rehabilitation and compensation. People have lost their farms. They've lost their livelihood. They've lost their homes. The government has certain rules with regards to compensation. So we are going to work with the government to make sure that people are compensated here. Do you think central government is looking keenly at the condition of the people in the, not only in Wayanad, in the different places? I mean, I think central government has a bias. Where they're not in power, they don't really care. So they're not in power in Kerala, so they don't really care about it. बता दें, केरल में आई भीषण बाढ़ की वजह से राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र वायनाड के अलावा मलप्पुरम, कवलप्पुरा और कोझिकोड भी सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में रहा। केरल में बाढ़ से 121 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं बाढ़ की वजह से 1,789 घर तबाह हो गए हैं, जबकि 26,668 लोगों को 185 राहत शिविरों में रखा गया है।